dear students, in previous class we discussed three categories of food: energy giving food, body building food and protective food. अब इस food के बारे में हम discuss करें तो आपको पता है ये food items कहाँ से आते हैं? Do you know from where we get these food items? पता है आप लोगों को? देखो आज हम यही discuss करेंगे कि ये जो हम फूड खाते हैं ये कैसे कहाँ से आता है, हम कैसे घर लेकर आते हैं, ये सारा इसमें देखेंगे. डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड आइटम्स? वी गेट ऑल आवर फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स. हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें एनिमल्स से मिलता है या फिर प्लांट्स और एनिमल्स. We purchase most of our food items from shops in the market. हम ये जो खाना खाते हैं उसके खाना बनाने के लिए जो कुछ आइटम्स लगते हैं वो सारा हम कहाँ से लेके आते हैं? मार्केट में शॉपकीपर के पास से. शॉपकीपर परचेज देम फ्रॉम द होलसेल मार्केट. अब ये शॉपकीपर कहाँ से लेके आते हैं? जो इन आइटम्स की होलसेल मार्केट रहते हैं उस होलसेल मार्केट से वो क्या करके लेके आते हैं, ये सामान लेके आते हैं. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर ब्रॉट इन द मार्केट बाय द फार्मर्स हु ग्रो इन द फील्ड. ज्यादातर मार्केट में ये जो फूड आइटम्स आते हैं वो डायरेक्ट फार्मर्स से भी लेकर आते हैं और फार्मर्स क्या करते हैं जो अपने खेतों में ग्रो करते हैं क्या फूड आइटम्स, फसल वगैरह उगाते हैं, उससे क्या होता है ये फूड आइटम्स वो मार्केट में लेकर आते हैं. मार्केट में शॉपकीपर्स लेते हैं, शॉपकीपर्स से हम लेते हैं. आवर फूड इंक्लूड्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम्स. हमारे खाने से अलावा भी एक इम्पोर्टेंट आइटम है जिसे हम कहते हैं वाटर, पानी. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड. हमारे फूड में वाटर को बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है क्योंकि एवरी डे वी शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. हम क्या करते हैं डेली बहुत सा पानी पीते हैं. आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है पानी होता है. द वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. पानी पीने से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है. इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन. और हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको बाहर निकालने में हमें वाटर हेल्प करता है जो स्वीट पसीने के द्वारा और यूरिन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकलता है. ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड बाय फार्मर. सब्जियाँ अनाज ये सारे फार्मर्स ग्रो करते हैं. मिल्क कम्स फ्रॉम मिल्क कैटल. जो दूध देने वाले मवेशी होते हैं उनसे हमें दूध मिलता है. बर्ड्स लाइक हैंड डब्स गिव्स अस एग्स. ये जो बर्ड्स होते हैं इनसे हमें क्या मिलता है एग्स मिलते हैं. पीपल इन मीट विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स लाइक शीप गोट एटसेट्रा. कुछ एनिमल्स के मीट खाया जाता है किसके शीप एंड गोट के. पीपल ऑल्सो ईट फिश. इंसान मछली भी खाते हैं. फिश लिव इन वाटर वो पानी में रहते हैं. फिशरमैन कैच देम एंड सेल देम इन मार्केट. और ये फिश पानी में रहती है और उन फिश को फिशरमैन कैच करते हैं पकड़ते हैं और उनको मार्केट में लाकर सेल करते हैं. द जनरली कुक फूड मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग. ज्यादातर फूड आइटम्स हम क्या करते हैं खाने से पहले उसको कुक करते हैं. कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. कुकिंग की वजह से क्या होता है वो खाना सॉफ्ट हो जाता है और हमें डाइजेस्ट में भी ईजी रहता है. इट इम्प्रूव द टेस्ट. इसकी वजह से कुक की वजह से उसके टेस्ट में भी इम्प्रूवमेंट होती है. एंड इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म्स फ्री. और वो कुक करने की वजह से उसके अंदर जो जर्म्स रहते हैं वो जर्म्स भी किल हो जाते हैं. अब देखो फॉर कीपिंग आवरसेल्फ हेल्दी वी शुड
अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें क्या करना है? तो देखो, ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड, हर तरह का खाना हमें खाना चाहिए। और मेक द फूड प्रॉपरली, पेज नंबर 25। प्रोटेक्टिव फूड हमने प्रीवियस पीरियड में डिस्कस कर लिया था। नाउ आज हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम जो ग्रेन्स वगैरह लेकर आते हैं फूड बनाने के लिए, ये कहाँ से आते हैं, मार्केट में किस तरह से आते हैं, होलसेल मार्केट में, फिर शॉपकीपर के पास आते हैं, शॉपकीपर के पास से हम लोग लेकर आते हैं, ये सारी प्रोसीजर अब हम यहाँ रीड करेंगे। यस, डू यू नो फ्रॉम वेयर वी गेट आवर फूड आइटम्स? वी गेट ऑल आवर फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। वी परचेज मोस्ट ऑफ आवर फूड आइटम्स फ्रॉम शॉप्स इन द मार्केट। द शॉपकीपर परचेसेस देम from the wholesale market. Most of the food items are brought to the market by the farmers who grow them in the field. Some vegetables are eaten raw while others are eaten after cooking. Some vegetables are eaten in बोथ फॉर्म्स। नेक्स्ट कॉलम में देखो दिया हुआ है वाटर के बारे में। आवर फूड इंक्लूड्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइटम, इट इज वाटर। वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। एवरी डे वी शुड ड्रिंक
ए लॉट ऑफ वाटर. आवर बॉडी गेट्स वाटर फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. द वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन. मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स आर ब्रॉट टू द मार्केट बाय द फार्मर्स हु ग्रो देम इन द फील्ड. फील्ड में जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उनसे कुछ शॉपकीपर्स डायरेक्ट परचेज करते हैं. ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन द फील्ड बाय द फार्मर्स. मिल्क कम्स फ्रॉम द मिल्क कैटल. बर्ड्स लाइक हैंस एंड डक्स गिव्स अस एग्स. पीपल ईट मीट व्हिच कम्स फ्रॉम द एनिमल्स लाइक शीप गोट एटसेट्रा. पीपल ऑल्सो ईट फिश. फिश लिव इन वाटर. फिशरमैन कैच देम एंड सेल देम इन मार्केट. वी जनरली कुक मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स बिफोर ईटिंग. कुकिंग मेकर्स द फूड सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट. इट इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑल्सो. इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म्स फ्री. फॉर कीपिंग आवरसेल्व्स हेल्दी वी शुड ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड. नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज यू द फूड प्रॉपरली. ऑलवेज कीप द फूड आइटम्स कवर्ड. वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग. वॉश द फ्रूट्स विद द क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग देम. वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग. वी शुड नेवर वेस्ट एनी फूड. We should put as much food in our plate as we can eat comfortably. We should never eat uncovered or stale food or from the street hawkers. Balanced diet देखो किसे कहा जाता है. Vegetarian, non-vegetarian ये अभी आपको समझाया था. People who eat प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन. और नॉन वेजिटेरियन का क्या आएगा. पीपल वो ईट एनिमल्स प्रोडक्ट या एनिमल्स फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन. बैलेंस्ड डाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर प्रोपोर्शन मेक ए बैलेंस्ड डाइट. अ बैलेंस्ड डाइट इज necessary for good health. Have your meals at fixed time daily. आपको कहा था कि हमें खाना क्या करना चाहिए. Fixed time में ही खाना चाहिए. यहाँ तक complete हो चुका है. मैंने समझा भी दिया था. Reading भी हो चुका है. अब मिलेंगे next period में. तब तक के लिए thank you बच्चों.